यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जौनपुर मुफ्तीगंज मनबर ने किशोर को गोली मारी, छर्रा लगने से किशोर घायल। मुफ्तीगंज जौनपुर बाजार से घर जा रहे एक किशोर को एक मनबर ने रोककर गोली मार दी। गोली का छर्रा किशोर के कनपट्टी के पास लगा है। घायल किशोर को गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के चोरसन स्थित CHC ले जाया गया, जहाँ से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के बगदरी गाँव का है। बगदरी गांव निवासी 15 वर्षीय राम आदर्श यादव और गुलशन सरोज दोनों एक बाइक से बाजार से घर जा रहे थे। रास्ते में सुखराम मेमोरियल स्कूल के पास केराकत कोतवाली थाना क्षेत्र के खटहरा गांव का एक मनबर युवक पहले से ही खड़ा था। जानकारी के अनुसार मनबर ने राम आशीष और गुलशन को रोक लिया, फिर गुलशन का गला दबाकर भाग जाने को कहा। जब दोनों जाने लगे तो उसने दोनों को फिर रुकने को कहा। जब दोनों नहीं रुके तो मनबर ने दोनों को लक्ष्य कर कट्टे से फायर कर दिया। छर्रा लगने से राम आशीष घायल हो गया। फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही CO गौरव शर्मा सहित थाना प्रभारी गौरा बादशाहपुर मौके पर पहुंच गए और घायल से घटना के संदर्भ में पूछताछ की। खबर लिखे जाने तक तहरीर नहीं पड़ी थी। जौनपुर से पंकज राय की खास रिपोर्ट। आदर्श यादव, कौन मारा है तुमको गोली? कहाँ के हैं? खटारा। शैलेश यादव, और तुम्हारा क्या नाम पूरा? आदर्श यादव। किस गांव के रहने वाले हो? बक्तरी। क्या कोई विवाद हुआ था तुम लोगों में? नहीं है? ठीक। नाम हो भैया तुम लोगों का? आदर्श। तेज बोलो। आदर्श। किस गांव के रहने वाले हो? बक्तरी। बक्तरी के हो? हाँ। और क्या नाम है तुम्हारा? गुलशन। क्या मामला था तुम लोगों का? हम लोग यहाँ पर खड़े थे, आया तुरंत मार दिया। क्या नाम था उसका? शैलेश यादव। किस जगह का है वो? खटारा। अच्छा, कहाँ गोली लगी है तुमको? अच्छा, गोली अंदर है कि बाहर है? बाहर। निकल गई है? दोनों लोग रहे हो? हाँ, साथ में।